हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं मुझे इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है, मुझे मैथ्स बनाने में दिक्कत आती है, उसे गाड़ी चलाने में दिक्कत आती है, उसे कंप्यूटर चलाने में दिक्कत आती है, तो किसी को कोई काम करने में दिक्कत आती है, या नहीं तो मुझे ड्राइविंग करने में दिक्कत आई, या मुझे कंप्यूटर चलाने में दिक्कत आ रहा है। जिस स्ट्रक्चर को मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उसमें सिर्फ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके किसी भी टेंस में सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। तो आइए बात करते हैं स्ट्रक्चर की। हम लोगों ने यहाँ पर लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस। इसके लिए सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, कोई भी टेंस हो उसके अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब लगाइए, बिकॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब नहीं राइट करेंगे। उसके बाद हम लोग लगाएंगे फाइंड। अब यहाँ पर जो वर्ब है फाइंड, फाइंड जो है टेंसेस के अकॉर्डिंग टू बदलेगा। फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंडिंग, फाइंड भी हो सकता है, गॉट इट। उसके बाद हम लोग लगाएंगे इट डिफ़िकल्ट। इट डिफ़िकल्ट को राइट करने के बाद हम लोग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। स्ट्रक्चर हम लोगों को इजिली से कम्प्लीट हो चुका है। इसको बेटर तरीके समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, मुझे अंग्रेजी बोलने में दिक्कत आती है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। अगर बोलना हो सेंटेंस ऐसे, मुझे अंग्रेजी बोलने में दिक्कत आ रही है, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई एम फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। आई एम फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। आई एम को शॉर्ट में आई एम पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे कंप्यूटर चलाने में दिक्कत आती है, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे सी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट द कंप्यूटर। सी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट द कंप्यूटर। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे लड़कियों से बात करने में दिक्कत आ रहा है, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही इज फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू टॉक टू गर्ल्स। ही इज फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू टॉक टू गर्ल्स। हे गाइज, इसे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई करेक्ट इट। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को हिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टैप पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।